हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट एनकाउंटर। इट्स टाइम फॉर द एल क्लासिको कंपैरिजन बिटवीन मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। इट्स महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, 2023 के आईपीएल में आपको एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बीच एक बहुत ही बड़ी राइवलरी देखने को मिलने वाली है। दो दो हाथ होने वाले हैं और इस वीडियो में हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करने वाले हैं। 2022 के आईपीएल में तो फैंस को बहुत ज्यादा मायूस करा था इन्होंने, लेकिन इस साल जो है कुछ चमत्कार हो सकता है। एक तरफ है कमबैक सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ है पलटन यानी कि पलटवार करना जानती है। तो चलिए गाइस, दोनों टीमों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं, देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेइंग 11, हाईएस्ट रन स्कोर और कैप्टेंसी रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देख के लाइक और शेयर कर देना। मुंबई और चेन्नई के फैंस बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं, चलो तो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ। तो अभी तक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच जो है 34 मैचेस हो चुके पूरा आईपीएल के इतिहास में, जिसमें से मुंबई पलटन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 मैच जीते और चेन्नई की टीम ने मात्र 14 मैचेस ही जीते हैं। तो हमेशा की तरह, हर साल की तरह मुंबई इंडियंस की टीम जो है भारी रहती है चेन्नई पर, और हेड टू हेड के आंकड़े भी यही बताते हैं। आपको क्या लगता है इस बार, आप अपनी राय बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। हेड टू हेड की तो बात कर ली, अब हाईएस्ट रन स्कोरर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने जो है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो है 693 रन बनाए हैं, तो वही चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ने जो है 646 रन बनाए हैं मुंबई के खिलाफ। तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बातें देखने को मिल रही है। क्या इस साल भी ये दोनों चलेंगे, आप अपनी राय नीचे फटाफट से लिख सकते हो, अपने सेगमेंट्स भी लिख सकते हो, बताइए फटाफट से। अब बात कर लेते हैं हम मेन कंपैरिजन यानी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के कंपैरिजन का। सबसे पहले हम ओपनर्स की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ओपन करने आने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवॉन कॉनवे, तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से आपको दिखने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ओपनर्स ने मिलकर पिछले 3 मैचेस में जो है 177 रन स्कोर किए हैं, तो वही मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर जो है 142 रन है। तो यहां पर थोड़ी सी चेन्नई की टीम आगे लग रही। पिछले साल जो है डेवन कॉनवे का अच्छा परफॉर्मेंस आया था, लास्ट आईपीएल में अच्छे बड़े शॉट खेल रहे थे, आक्रामक अंदाज है, और ऋतुराज गायकवाड़ को भी फॉर्म में थोड़ा सा आना पड़ेगा। पिछले साल जो है बहुत ज्यादा डाउन था, 2021 के ऑरेंज कैप विनर है। तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ईशान किशन का थोड़ा सा इंटरनेशनल करियर पे फॉर्म डाउन हुआ है, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका आक्रामक अंदाज जो है आपको बरकरार रखना पड़ेगा। और रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे, तो देखना पड़ेगा आपके हिसाब से ओपनर्स में कौन अच्छा है, आप अपनी राय बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। ओपनर्स के बाद अब बात कर लेते हैं हम मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन का। तो चेन्नई की तरफ से नंबर 3 पर अंबाती राइडू, नंबर 4 पर मोइन अली और नंबर 5 पर आपको बेन स्टोक्स दिखने वाले। तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा और नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन दिखने वाले। तो दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा लग रहा है। चेन्नई की तरफ से 238 रन आए हैं पिछले 3 मैचेस में और मुंबई की तरफ से 201 रन आए हैं, तो यहां पर बराबरी का कंपैरिजन हो सकता है। फिर भी थोड़ी सी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आगे है, बेन स्टोक्स के आने से और ज्यादा हाई लेवल दिख रहा है मिडिल ऑर्डर, बहुत ही आक्रामक अंदाज है, पावर हिटर है, अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल चुका है आपको। मोइन अली अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं और अंबाती राइडू भी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो भैया सूर्य कुमार यादव, सूर्य दादा का अगर बल्ला चलता है तो किसी की भी नहीं चलती है। तिलक वर्मा भी बहुत अच्छा यंग टैलेंट बैट्समैन है, इनफैक्ट रविंद्र जडेजा ने तो घोषित भी कर दिया है, और कैमरन ग्रीन भी वापसी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों टीम का मिडिल ऑर्डर। आपको क्या लगता है बताइए। मिडिल ऑर्डर के बाद लेट्स कंपेयर द लोअर ऑर्डर ऑफ बोथ टीम्स। तो चेन्नई की तरफ से नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर आपको शिवम दुबे देखने को मिलने वाले हैं। तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से नंबर 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 पर कुमार कार्तिकेय और नंबर 8 पर आपको पीयूष चावला देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर कोई शक नहीं है, चेन्नई की टीम लोअर ऑर्डर में बहुत ज्यादा आगे लग रही है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बैटिंग में तो बहुत ज्यादा डेप्थ लग ही रहा है, प्लस एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। होनी को कर दे अनहोनी, अनहोनी को कर दे होनी, नाम है भैया महेंद्र सिंह धोनी, ये कभी भी मैच पलट सकते हैं। रविंद्र जडेजा भी फॉर्म में आ चुके हैं और शिवम दुबे भी बहुत अच्छी नॉक्स खेल रहे थे पिछले साल के आईपीएल में। तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से टिम डेविड के बाद आप देख लो, निचला क्रम थोड़ा सा कमजोर लग रहा है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कुमार कार्तिकेय के पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस बल्लेबाजी भी नहीं है, और पीयूष चावला भी मतलब थोड़ा सा इनका करियर बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है। तो यहां पर चेन्नई की टीम जो है बाजी मार रही है। लोअर ऑर्डर के बाद अब दोनों टीमों के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई की तरफ से नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर महेश शिक्षणा और नंबर 11 पर आपको मुकेश चौधरी देखने को मिलने वाले हैं। तो वही मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर आपको जाय रिचर्डसन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाजों का, क्योंकि भाई साहब
जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर के वो 8 ओवर निकालना बहुत भारी काम है, भारी पहाड़ चढ़ने जैसा काम है, नाक में दम करके रख सकते हैं। अगर आपने इनके 8 ओवर निकाल दिए तो पूरा मैच आपके हाथ में आ जाएगा। तो चेन्नई की टीम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, आपको इसके लिए गेम प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा वेरिएशन है, यॉर्कर है, डेप्थ है, बाउंस है, सब कुछ है इनके पास। और चेन्नई की टीम की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर दीपक चहर का इंजरी इशू रहने वाला है, तो फॉर्म में आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। मुकेश चौधरी के पास भी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे रिकॉर्ड है मुंबई के खिलाफ, और महेश तीक्ष्णा एज अ स्पिनर दिखने वाला है। तो काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर कोई अच्छा गेंदबाज आता है तो ही चेन्नई की टीम की गेंदबाजी जो है अच्छी होगी। लेट्स सी देखते क्या होता है। सो गाइज, ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चेन्नई की टीम में बस एक कमी लग रही, गेंदबाज नहीं अच्छा, और मुंबई इंडियंस की टीम में जो है थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ की जरूरत है। तो यहां पर जो है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम दोनों टीमों के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स का। तो यहां पर रोहित शर्मा का पूरे आईपीएल के इतिहास में 55.24% का कैप्टनसी रिकॉर्ड्स है, और धोनी का जो है 58% का है चेन्नई की टीम की तरफ से लीड करते हुए। तो अच्छे रिकॉर्ड है, दोनों जो है महान कप्तान है और अच्छी राइवलरी है। अब टीम के विन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम का 56.7% का है और चेन्नई की टीम का 48.7% का है। तो ये भी दोनों का अच्छा है, चैंपियन टीम है, 4 बार 5 बार जो है जीत चुकी है। और अगर हम लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने भी 3 मैच जीते और चेन्नई की टीम ने भी 3 ही मैच जीते लास्ट 5 मैचेस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कंपैरिजन को जो है थोड़ी सी मुंबई इंडियंस की टीम जो है जीत सकती है। अब मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स माय फीलिंग। आपको क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले नमस्कार, बाय बाय। इस कंपैरिजन के लिए 1 लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना, बाय।